Hey guys, welcome back to my new vlog. Vlog तो नहीं है, it's kind of an information. तो basically हुआ क्या कि हमारे channel के एक subscriber है, तो उन्होंने उनकी कुछ questions है जो अभी Sweden शायद move कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सवाल मुझसे किया है. तो मैंने सोचा कि why not make a video about it, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो मेरे दिमाग में नहीं थे. तो let's get started with today's video. क्वेश्चन जो है वो है, व्हिच आर वन ऑफ द गुड नेबरहुड्स इन गोथेनबर्ग. सो हम लोग यहाँ पे जहाँ रह रहे हैं ये है हिजिंगन. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हर जगह मतलब ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कहीं भी रहो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि कनेक्टिविटी कहीं से भी मिल जाएगी. बट यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं इंडियंस, तो वो लोग वॉल्वो में काम करते हैं, ठीक है. तो वॉल्वो कार्स की जो ऑफिस है, तो वो जहाँ है उसके आसपास जो घर है वो एक जगह है, बिस्कोप्स गार्डन, लैंसमान्स टोरिएट. तो लैंसमान्स टोरिएट, लैंसमान्स गार्डन, बिस्कोप्स गार्डन, ये सब एरिया में घर आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे कंपेयर टू द सिटी. लाइक अगर ब्रुंस पार्किन के पास, सेंट्रल स्टेशन के पास घर लेना तो भूल जाओ, बिकॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. और तो बेटर है, यहाँ पे एक जगह है याल्मा ब्रांटिंग कास्टन, तो वहाँ पे घर ले सकते हो उसके नज़दीक. लाइक दैट इज़ कॉल्ड हिजिंग बाका, दैट इज़ बाका. सो वहाँ पे भी घर आपको मिल जाएगा. तो और एक जगह है फ्रोलुंडा टोरी, जो ऑफिस से नज़दीक होगा. हम लोग फ्रोलुंडा में भी पहले रहते थे. तो आई वुड सजेस्ट दैट दिस हिजिंगन, देन हिजिंग्स बाका, देन फ्रोलुंडा टोरी, देन एकत्र गॉटन इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेस. वहाँ पे बहुत सारी कनेक्टिविटी जो है वॉल्वो के लिए बहुत सारी है. और लांसमान स्टोरिएट और बिस्कोप्स गार्डन, लाइक दीज आर द लाइक द प्लेसेज दैट यू शुड लुक फॉर एन अपार्टमेंट. सवाल है, हाउ कैन आई गेट अ सिम कार्ड. सो सिम कार्ड यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है लाइका मोबाइल. तो लाइका मोबाइल आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, और थ्रू आउट यूरोप ये काम करता है. हम लोग स्विट्जरलैंड भी गए थे, मैं जर्मनी गया था, तो हर जगह जो है लाइका का नेटवर्क अच्छा खासा आता है. तो लाइका की जो सिम है आप ऑर्डर कर सकते हैं लाइका मोबाइल डॉट ए सी से, और इट विल व्हेन यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम देन आई थिंक इट विल कॉस्ट फ्री, विल गेट द सिम कार्ड फ्री. और जो एक महीने का रहता है 8 GB ऑफ डेटा एंड अनलिमिटेड कॉलिंग इन स्वीडन, तो वो हो जाएगा आपका टोटल 19 क्रोना में, विच इज़ वेरी 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 चीप. आप वो ऑर्डर कर सकते हो लाइका मोबाइल डॉट ए सी से. उसके बाद एक महीने के बाद आप यहाँ पे एक शॉप है प्रेस बिरन, प्रेस बायरन आई थिंक, तो वहाँ पे जाके आप लाइका के जो रिचार्ज कर सकते हो 99 क्रोना आपको पड़ेगा, और इट विल गिव 8 GB डेटा, देन 100 मिनट्स फ्री कॉलिंग टू इंडिया एंड फ्री कॉलिंग ऑल ओवर स्वीडन. सो और भी ऑप्शंस है, मैंने ये बताया क्योंकि ये हमको काफ़ी सस्ता पड़ता है जैसे 99 क्रोना में. लेकिन कॉम्बिक करके है दूसरा प्रोवाइडर, उसके भी नेटवर्क काफ़ी अच्छे होते हैं. कॉम्बिक के तो लाइका से ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बट या इट विल कॉस्ट 149. और टेलिया और भी बहुत सारे, बट आई थिंक लाइका विल सॉल्व द पर्पस. थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द अफोर्डेबल टेलीकॉम प्रोवाइडर फॉर कॉलिंग ऑल ओवर स्वीडन. ओके, वे सेम लाइका मोबाइल में आपको स्वीडन में क्या मतलब यूरोप में आप इंटरनेशनल अगर पैक डालोगे, थोड़ा सा आपका जो इंडिया कॉलिंग मतलब उसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्या डिटेल्स है, बट लाइका इज लाइक फाइन इन स्वीडन. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, आई एम नॉट अलर्जिक टू एनी स्टफ, बट कैन यू सजेस्ट सम जनरल मेडिसिन विच आई शुड कैरी. या मैंने पहले भी बताया है इस बारे में कि मेडिसिन आप जो भी लेते हो सब कुछ लेके आ जाओ, बिकॉज यहाँ पे मेडिसिन क्या है कि मतलब जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी हो गया ना, तो फिर ठीक है आप यहाँ से वो मिल सकता है. बट कोई एंटीबायोटिक्स अगर आप ले रहे हो तो आई थिंक यू विल नॉट गेट इट. एंटीबायोटिक्स इतना आसान नहीं यहाँ मिलना. तो जो कुछ भी मेडिसिन आप इंडिया में यूज़ करते हो एंड यू थिंक दैट मेरे को आगे पढ़ सकती है, तो ले आओ. जब आप ऑब्वियसली एक दूसरी कंट्री आओगे, यहाँ के क्लाइमेट भी बहुत मतलब इंडिया से तो काफ़ी फ़र्क दिखेगा, तो इसलिए यू नो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको नॉर्मल सर्दी खांसी हो सकती है. तो इसलिए फीवर, हेडेक और या फिर बॉडी पेन, ये सब मेडिसिन आप तो ऑब्वियसली लाओगे या लाओगे, और कुछ एंटीबायोटिक्स अगर आप जैसे मैंने पहले बोला तो वो भी ला सकते हो. पांचवा सवाल है, व्हाट इज़ द करंट ट्रैवलिंग कार्ड पास अमाउंट. ओके,
यहाँ पे मैंने जैसे पहले बोला था 3 महीने का रहता है, 6 महीने का रहता है, 1 साल का रहता है और 1 महीने का रहता है. तो 1 महीने का जो ट्रैवलिंग पास ऑल ओवर गोथेनबर्ग है वो है 775 क्रोना और 3 महीने का आपको आएगा 2145 आई थिंक सो. तो यहाँ पे जो है वास्त्राफिक करके कंपनी है जो आई मीन विच टेक्स केयर ऑफ द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है गवर्नमेंट का, तो वो वास्त्राफिक को दिया गया है. तो आप वास्त्राफिक का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो टू गो करके, या फिर आप वही प्रेस बिरान से जाके आप वास्त्राफिक कार्ड ले सकते हो जिसमें ऑलरेडी लाइक 1 मंथ और 3 मंथ्स वट एवर यू वॉन्ट, और या फिर वास्त्राफिक के ऑफिस भी जा सकते हो. बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा कि मतलब आप जब वास्त्राफिक का कार्ड लोगे तो यू हैव टू यू नो एक्टिवेट दैट कार्ड इन बस. तो बस में मशीन्स रहती है, वहाँ पे जाके आपको कार्ड को दिखाना है तो कार्ड विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम दैट डे. बट ऐप से अगर करोगे तो द डे यू परचेज द ऐप इट विल बी एक्टिवेटेड. सो मेरे ख्याल से आई थिंक अभी वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है तो हम लोग कार्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे मंथली हमको जब भी जाना होता है तब हम टिकट बुक कर लेते हैं. जैसे आपको 90 मिनट्स का टिकट आएगा 34 क्रोना, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो गुड. अभी आप अभी के लिए तो शायद मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस ट्रैवल पास यू कैन बाई दिस थिंग दिस डेली आई मीन सिंगल टिकट ये कर सकते. छठा सवाल है व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कैरी मनी फ्रॉम इंडिया टू गोथेनबर्ग फॉर अ डेली रूटीन. ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग जैसे हमारे करंट कंपनी मतलब मैं जिस कंपनी में अभी हूँ यहाँ पे मैं वॉल्वो कार्स के लिए काम करता हूँ बट मेरी पेरेंट कंपनी कोई मतलब अलग है. तो हम लोग जब आ रहे थे तो वो लोग हमें एक कार्ड दिए थे ट्रैवल कार्ड ICICI का, तो उसमें कुछ पैसे मतलब डाल के 50,000-60,000 करोना हमने मतलब उसमें ट्रांसफ़र किया था और हमें वो कार्ड दिया था. और बाकी हम लोग यहाँ पे जब आ गए तो उसके बाद उन्होंने वो डिडक्ट किया मंथली बेसिस में. तो अब जब ऑब्वियसली यहाँ पे आओगे तो आपको पता नहीं क्या कितना खर्चा होगा, तो इट्स बेटर टू हैव सम अमाउंट. सो यहाँ पे तो बिल्कुल कैश आई मीन इफ़ यू डोंट हैव कैश इट्स ओके बिकॉज एवरीवेयर इट्स लाइक कार्ड पेमेंट हो सकता है. तो बट बेटर है आप कुछ कैश भी लाए ACK में स्वीडिश क्रोनर, एंड ऑल्सो यू ऑल्सो यू नो गो टू बैंक एंड जस्ट अब एक बार चेक करिए कि बैंक में वो ट्रैवल कार्ड का क्या रहता है. आप अमाउंट आपको INR में देंगे एंड द कार्ड विल बी इट्स काइंड ऑफ अ मल्टी करेंसी, तो आई थिंक वो देख सकते हो ट्रैवल कार्ड. 7th क्वेश्चन है Are there any applications in which I can transfer my money because I can see that in Gothenburg people don't use cash? Correct. ऐसा नहीं कि कैश यूज़ नहीं करते, कैश करते हैं बट प्रिफर करते हैं कार्ड पेमेंट. तो ऐप जैसे इंडिया में फ़ोन पे गूगल पे है, यहाँ पे एक ऐप है स्विश करके, तो उस वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो. बट अगेन यू नीड टू हैव मोबाइल बैंक ID, तो वो कैसे आएगा? अब पर्सनल नंबर नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता. तो अभी जब आप आओगे ऑब्वियसली आपके पास बैंक ID नहीं हो सकता और बैंक कोई बैंक आपका अकाउंट ओपन नहीं करेगा अनलेस यू हैव अ पर्सनल नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर. तो आई थिंक यू कैन हैव सम यू हैव दैट ट्रैवल कार्ड और फिर आपके पास कैश रहेंगे तो उससे आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो. एंड वंस योर बैंक अकाउंट इज लाइक यू ओपन योर बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट जब आप खोलते हो तो वो लोग एक मोबाइल बैंक ID देते हैं जैसे टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ. तो वहाँ पे आप अपना पर्सनल नंबर डालोगे एंड देर विल बी अ पिन कोड एंड देन कैन यूज दैट मोबाइल बैंक ID एंड स्विच ऐप टू ट्रांसफर मनी. 8th क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वीडिश एंड स्वीडिश कार्ड एंड पर्सनल नंबर. ओके, सो जब आप स्वीडन में पहले अपने आप को रजिस्टर करोगे जाके स्कैटरवर्कट में स्वीडिश टैक्स एजेंसी जो है वहाँ पे जाके आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा. वंस यू रजिस्टर दे विल गिव यू अ पर्सनल नंबर, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा और एक 4 डिजिट का नंबर रहता है. तो आप जब पर्सनल नंबर के लिए अप्लाई करोगे तो एक ऑफिसर विल बी असाइन एंड आपको डिसीजन मिलेगा कि येस वी आर गुड टू गो टू क्रिएट योर पर्सनल नंबर. तो आपको एक पेपर में पर्सनल नंबर मिलेगा, तो वो आप लेके फिर जा सकते हो कहाँ, बैंक में जाके आप अपना डेप्यूटेशन लेटर कि आई हैव अ जॉब हियर की कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे और फिर वो पर्सनल नंबर दिखाओगे. देन दे विल ओपन द बैंक अकाउंट एंड देन यू विल गेट द मोबाइल बैंक ID एंड यू कैन इंस्टॉल द स्विश ऐप. वो हो गया. और तो स्वीडिश कार्ड क्या होता है कि पर्सनल नंबर इट्स अ नंबर इट विल कम इन अ पेपर
और स्वीडिश आईडी कार्ड आपको उसके बाद जाके बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा फिर से टैक्स एजेंसी में जो हेड ऑफिस है यहाँ पे। मैंने जैसे पहले बताया था स्कैटर वर्कट काफ़ी जगहों में है, लेकिन ये जो बायोमेट्रिक्स करना है वो पर्टिकुलरली उनके हेड ऑफिस में करना होता है। तो वहाँ पे जाके आप अपना बायोमेट्रिक्स पहले तो आप शेड्यूल करोगे कि मुझे इस दिन जाना है, और उसके बाद आप जाके अपना बायोमेट्रिक्स दे सकते हो। एंड इट विल कॉस्ट 400 करोना, एंड आई थिंक कंपनी कैन रिम्बर्स, इट्स अप टू योर कंपनी। तो वंस यू डू दैट देन दे विल गिव यू अ डेट दैट आप इस डेट पे आके स्वीडिश कार्ड नो कलेक्ट कर सकते हो। स्वीडिश कार्ड इज लाइक अ कार्ड, आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट इट्स अ कार्ड, सो दैट विल बी योर आइडेंटिटी दैट यू आर यू आर स्टेइंग इन स्वीडन। सो या देर इज अनदर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन दैट ऑलवेज कीप योर यूटी कार्ड और स्वीडिश कार्ड विथ यू, क्योंकि अगर आपको मतलब पुलिस मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट यू शुड कीप इट वेन एवर यू गो आउटसाइड। ऑलराइट, और एक सवाल जो मैं भूल गया आंसर देने के लिए, लास्ट क्वेश्चन जो था उनका, कि आर देर एनी साइट्स टू फाइंड अकोमोडेशन इन गोथेनबर्ग? येस देर आर, बट आई थिंक इट्स बेटर टू गो फॉर फेसबुक मार्केट प्लेस, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हमने भी हमारा जो घर, ये घर है और जो पहले भी जो घर था, सब कुछ फेसबुक के थ्रू ही हमें मिला था। लेकिन आप अगर साइट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर एक साइट है bostad.blockit.ac, वहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू रजिस्टर थ्रू योर मोबाइल बैंक आईडी, पर्सनल नंबर चाहिए उसके लिए। तो इट्स बेटर टू गो फॉर फेसबुक मार्केट प्लेस। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स भी है, इंडियंस इन स्वीडन एंड इंडियंस इन गोथेनबर्ग, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, अभी से ही ज्वाइन कर लो अगर आपका प्लान है फ्यूचर में आने के लिए। तो यू विल सी अ लॉट ऑफ एड्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम, और आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स भी है, फ्रेंड्स वगैरह है, तो उनको भी आप हेल्प उनसे हेल्प ले सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल एंड दिस वीडियो हियर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।